वेलकम फ्रेंड्स, अब हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने आज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 2 का पेपर दिया है, कॉस्टिंग 2 का, तो आप देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था सेम वही क्वेश्चन पेपर आया। अभी हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉस्टिंग 3 के लिए भी यही पेपर आएगा, कॉस्टिंग 3 का प्रीवियस ईयर का ही। बट आप इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच द पेयर्स 10 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट्स, एनी 2 शॉर्ट नोट्स आपको इस पे लिखने। देन इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए एंड बी ऑप्शन है। तो अब भी देखिए इस क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 8 मार्क के लिए पूछा है, जिसमें हमें पीवी रेशियो, बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये कैलकुलेट करना है। एंड उसी में पार्ट बी में राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बजट पे, फ्लेक्सिबल बजट पे क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए ए एंड बी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के मोस्टली फोकस थ्योरेटिकल पार्ट पे है। ओके, लगभग 34 मार्क्स के थ्योरी है इसमें टोटल में, टोटल पेपर में। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा, और अगर चेंजेस होंगे तो क्या चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशंस है उस पे है। तो जो बेसिक इक्वेशंस है मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो बेसिक इक्वेशन क्या है देखिए, फर्स्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दो तरह से आता है। देखिए कंट्रीब्यूशन का इक्वेशन है दो तरह से आता है, एक इक्वेशन हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ओके, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये एक फॉर्मूला हो गया या इक्वेशन हो गया कंट्रीब्यूशन का। और दूसरा इक्वेशन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें दिया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस और कंट्रीब्यूशन रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है। ठीक है, सो बेसिकली कंट्रीब्यूशन के दो बेसिक इक्वेशंस है मार्जिनल कॉस्टिंग में, या जो दो बेसिक फॉर्मूलाज है उस पे क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग पे अलग से सेपरेट दो वीडियो बनाए हुए ऑलरेडी। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, इसी चैनल पे अवेलेबल है, बहुत ही डेप में, इन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन किया है मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट का। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, दो वीडियोस है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और जो पीवी रेशो आपको कैलकुलेट करना है या बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश बजट इज कंसिडर्ड एज समरी बजट ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स। ओके, तो जो ऑल फंक्शनल बजट्स बनते हैं उनकी समरी हम कहाँ पे बनाते हैं, मास्टर बजट में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द सक्सेस ऑफ डैश कॉस्टिंग सिंपली डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। सी, इसका आंसर है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सो द सक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिंपली डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। देखिए फ्रेंड्स,
आपको इसमें एक सेपरेट टॉपिक है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, इस पे भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आपके अगर वो वीडियो देखेंगे तो उस आपके उसमें यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपेरिजन दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसमें से एक कॉन्सेप्ट पे ऑलवेज एक शॉर्ट नोट आता है इसमें, ओके तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये कॉस्टिंग 3 सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा था तो मैंने उस पे बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो बनाए, तो उसके जो 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके लिए मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वो जरूर देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए द सक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिंपली डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है डेडिकेटेड वीडियो ऑन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग उस पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन शुड बी डैश इनफ सो एज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, आप अगर ये स्टेटमेंट केयरफुली रीडिंग करेंगे तो यहाँ से आप लॉजिकली भी आंसर देख सकते दे सकते हैं। ये क्वेश्चन सेंटेंस क्या कहती है, द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन शुड बी डैश इनफ सो एज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेज। तो अल्टरनेटिव वेज हम कब प्रोवाइड कर सकते हैं, जब हमारी सिस्टम फ्लेक्सिबल होगी, अगर फिक्स रिजिड है तो नहीं दे सकते ना, तो इसीलिए इसका आंसर है फ्लेक्सिबल। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो एज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एवरी फैसिलिटी दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एवरी फैसिलिटी दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ वैल्यूएबल एड टू द एंड ऑप्शंस में मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट। सी टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ वैल्यूएबल एड टू मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए मैच द पेयर है, मैच द पेयर में ग्रुप ए ग्रुप बी दो ग्रुप है। अभी ग्रुप ए में देखेंगे ऑप्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कैश बजट, सेल्स बजट एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इस पे तो आप अगर फिक्स कॉस्ट का आपको मीनिंग पता है कि विच रिमेन्स फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, इस पे वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं आता। ओके तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए, इट इज द फोरकास्ट, देन इट इज द बेसिक फाउंडेशन, इट रिफर्स टू द यूज बाय सेवरल, पर यूनिट दिस कॉस्ट फ्लक्चुएट्स व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। ओके, पर यूनिट दिस कॉस्ट फ्लक्चुएट्स, पर यूनिट फ्लक्चुएट होती, देन पर यूनिट दिस कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ओके अभी ये जो दो क्वेश्चंस है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रिकी क्वेश्चंस है। देखिए इसको समझते कैसे, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो ऑलवेज फिक्स रहती है, बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है ना। देखिए अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपीज, ओके आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट, और आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपीज, तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 100। ओके 1000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपीज इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रहती है और टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, बट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट वो फिक्स रहती है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती है। ठीक है, फिर एक बार आई मुझे पहले फिक्स कॉस्ट समझाता हूँ। मैंने अभी जो एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया है कि हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और टोटल फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपीज, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10 रुपीज इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ओके मान लीजिए
अभी आपका प्रोडक्शन हो गया 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, आप मान लीजिए आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया 110 यूनिट्स, ओके प्रोडक्शन क्या हो गया 110 यूनिट्स, बट आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज होगी क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी भाई? 1000 रुपीज। तो अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन कितना बढ़ा 100 रुपीज से, 100 यूनिट से 110 यूनिट हुआ, तो 10 यूनिट से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती है, ओके। तो जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कम होगी, प्रोडक्शन घटेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। अभी उसका यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पर यूनिट दिस कॉस्ट फ्लक्चुएट्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, सो पर यूनिट यहाँ पे केयरफुली देखिए, मैं अभी इसका मैच कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट होती है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर इसमें भी आपको डाउट है तो मैंने जो वीडियोस बताए ना वहां पे बहुत इन डेप्थ में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, बट आई होप जो एग्जांपल है आप वो माइंड में रखिए, इससे आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रहती है, मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है? तो इसलिए इसका जो आंसर है फिक्स कॉस्ट का, ये डी है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट इसका लास्ट वाला आंसर है, पर यूनिट दिस कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी ना, मान लीजिए आपको ये एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल, मतलब वेरिएबल कॉस्ट है ना ये, वेरी होती है, सो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको मान लीजिए 50 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो 2 यूनिट के लिए कितने हो गई 100, 3 यूनिट के लिए 150। इट मीन्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती है और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है प्रोडक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है? आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। स्टिल अगर आपको डाउट है ये दो कंसेप्ट पे, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे आपके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो डालूंगा, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ओके। देन नेक्स्ट कैश बजट, सो बेसिकली कैश बजट इज द फोरकास्ट ऑफ कैश पोजिशन, ओके। तो यहाँ पे कैश बजट के लिए ऑप्शन ये इसका मैच होगा। देन सेल्स बजट क्या होता है, इट इज द बेसिक फाउंडेशन अपॉन विच अदर फंक्शनल बजेट्स बिल्ट अप। तो सेल्स बजट पे ही अदर बजेट्स प्रिपेयर होते। आपको अगर कैश बजट प्रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको सेल्स बजट का ही बेस लेना होगा, ओके। तो इसलिए सेल्स बजट इज द बेसिक फाउंडेशन अपॉन विच अदर फंक्शनल बजट्स आर बिल्ड अप। देन नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ यूज बाय सेवरल अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस, ओके। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में बहुत सारी कंपनीज होती है एक ही इंडस्ट्री की या एक ही सेक्टर की, वो क्या करती है सेम कॉस्टिंग मेथड्स टेक्निक्स प्रिंसिपल यूज करती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉस्ट स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होते हैं, ठीक है? इस पे मैंने बोला डेडिकेटेड वीडियो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे, आप वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि इवन मैच द पेयर्स में भी आपका थेरोटिकल कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता है, ये जो मैच द फॉलोइंग में इसमें, और यही मेन ब्यूटी है कॉस्टिंग की। अगर कॉस्टिंग में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कॉस्टिंग बहुत अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, ओके, यू वुड लव द सब्जेक्ट। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ साथ कॉस्टिंग के थेरी पार्ट पे भी फोकस करना चाहिए। देन नेक्स्ट, अभी शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स। तो राइट शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर फर्म कंपेरिजन। तो देखिए इंटर, एक हमारा थर्ड टॉपिक ही है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपेरिजन। तो ये जो इंटर फर्म कंपैरिजन है,
इंटरफर्म कंपैरिजन, जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन पे सेपरेट वीडियो, तो इंटरफर्म कंपैरिजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेसिकली, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस, ओके, टू या यूनिफॉर्मिटी, ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है इंटरफर्म कंपैरिजन, मतलब कि दो फर्म है उनका कंपैरिजन करने का, तो मेन तो ये कि उनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ओके, दोनों फर्म का परफॉर्मेंस चेंज करेंगे, चेक करेंगे, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं दोनों फर्म को इंटर फर्म कंपैरिजन के, ठीक है। इसके बाद वीडियो है, आप वो जरूर देखिए। देन नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर देर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म का प्रॉफिट भी नहीं होता लॉस भी नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है कि टोटल कॉस्ट जो है, ये टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू, और जो टोटल सेल्स की वैल्यू है और टोटल कॉस्ट, ये दोनों सेम होते हैं, मतलब जितने भी हमने सेल्स किया उसकी अमाउंट और टोटल कॉस्ट, ये अगर सेम होंगे तो देर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इट मींस द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म्स आर इज इक्वल टू द टोटल सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद मास्टर बजट, सो मास्टर बजट ये प्रिपेयर होता है अ प्रिपरेशन ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, ये ऑब्जेक्टिव में आया था, देखो अभी मैच द पेयर्स में हमने मास्टर बजट का कहीं पे द क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव्स में, तो उससे इसका मीनिंग लीजिए, ये सारे बजट प्रिपेयर करने के बाद ये बजट बनाया जाता है, इट इज समरी ऑफ ऑल द बजट। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आप बहुत अच्छी तरह से नोट लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है सो दैट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी गेट्स टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन, टाइमली एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, टाइम पे भी मिलना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हैं इसी किसी भी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, बीईपी, ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में ही बी है, राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के यहाँ पे फीचर्स लिखने, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में, अभी क्वेश्चन 3 में 8 मार्क के लिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 4 में बजट एंड बजटरी कंट्रोल पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का ही क्वेश्चन पेपर है, अभी इसमें चेंज हो सकते हैं क्या, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए टोटल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये सिर्फ 16 मार्क के लिए आए, और थेरोटिकल कॉन्सेप्ट 34 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 3 बी में 7 मार्क की ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे थेरी है, और क्वेश्चन 4 बी में भी यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे थेरी है, ठीक है। अभी ऐसे फॉर्मेट आ सकता है क्या, देखिए ऐसे भी आ सकता है, और इसमें चेंज ऐसे क्यों होता है, देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी को जब भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं ना, तो 3 एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पेपर देते हैं, और यूनिवर्सिटी उसमें से कोई भी एक रैंडमली पेपर सिलेक्ट करके वो आपको दे देती है, तो इसलिए ये चेंजेस की पॉसिबिलिटी रहती है ऑलवेज, तो आपको प्रिपेयर रहना है। अभी इसमें चेंज क्या हो सकता है, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस है, लाइक अभी क्वेश्चन कॉस्टिंग 2 के क्वेश्चन पेपर में हुआ 15 15 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे ना, वैसे भी हो सकता है, वैसे भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहिए जस्ट दोनों में से, क्योंकि कॉस्टिंग का जो मार्किंग अलोकेशन है वो है आपका पैटर्न कैसे सेट करना है, 50% क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड 50% थ्योरी, ऐसे सेट करना है, इसीलिए इस पेपर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप अभी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इंटरफर्म कंपैरिजन इस पे है क्वेश्चंस ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो, अगर आपको अदर देन दिस किस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है अभी उनके साथ शेयर कीजिए, और इवन मतलब यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन हुआ ये हर कॉस्टिंग स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय।